श्री राघव चड्ढा जी डिमांड टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ सिख पिलग्रिम्स फॉर गुरुद्वारा नानका साहब इन पाकिस्तान। सर, आज मैं जिस विषय पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है कि उस बात का समर्थन इस सदन में बैठा हर सदस्य करेगा, क्योंकि ये बात करोड़ों पंजाबियों की श्रद्धा से जुड़ी हुई है। सर, मैं बड़ा नसीब वाला हूँ कि मुझे पंजाब सूबे की नुमाइंदगी करने का मौका इस सदन में मिला। पंजाब वो सूबा जिसकी धरती गुरु साहिबान की रहमत से मुकद्दस है। सर, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब सिर्फ देश के ही दो हिस्से नहीं हुए, हमारे सूबे पंजाब के भी दो हिस्से हुए। एक पंजाब पाकिस्तान में रह गया, एक भारत में शामिल हुआ। सर, जब देश का बंटवारा हुआ, तब लाखों पंजाबी परिवारों का खून बहा, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल था। हमारे कई दोस्त रिश्तेदार हमसे बिछड़ गए, लेकिन उससे भी बड़ी बात, हमारे गुरुद्वारा साहब हमसे बिछड़ गए। आज कई ऐसे गुरुद्वारा साहब हैं, जैसे कि श्री करतारपुर साहब, श्री पंजा साहब, श्री ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में स्थित हैं। इनमें से एक बड़ी मुकद्दस जगह है जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, श्री ननकाना साहब, जो लाहौर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सर, आज मैं इस सदन के सामने एक मांग लेकर आया हूँ। संगत को श्री ननकाना साहब जी के दर्शन करने का, दर्शन दीदार का, खुले दर्शन करने का एक बहुत लंबे समय से मांग है, मन में एक भाव है। उस संदर्भ में तीन छोटी मांगे आज मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। पहली मांग, जैसे श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर बनाकर संगत को दर्शन करने के मौका मिला, मत्था टेकने का एक इंतज़ाम हुआ, उसी प्रकार से श्री ननकाना साहब कॉरिडोर का भी काम होना चाहिए। दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर एक कॉरिडोर बनाएं जिससे भारत से श्रद्धालु संगत श्री ननकाना साहब जी जा सके। मेरी दूसरी मांग, श्री ननकाना साहब जी जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, खुले दर्शन करने के लिए कोई वीज़ा, पासपोर्ट, फीस या कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की ज़रूरत ना पड़े, एक सरल सा प्रोसेस हो। मेरी तीसरी मांग कि अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर से श्री ननकाना साहब जी की दूरी लगभग 104 किलोमीटर पड़ती है। ये दूरी बड़े आराम से दो घंटे में पूरी की जा सकती है गाड़ी या बस के माध्यम से। मैं चाहूँगा कि इस सड़क को सेफ पैसेज बनाया जाए, दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर उस रास्ते को जो अमृतसर से होता हुआ, लाहौर से होता हुआ ननकाना साहब जाता है, उसे सेफ पैसेज बनाए ताकि श्रद्धालु और संगत वहाँ जाकर खुले दर्शन कर सके। सर, अगर ये मांग पूरी होती है तो पूरी दुनिया में शांति और भाईचारे का एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, और इसके साथ साथ करोड़ों संगत की दुआएं दोनों मुल्कों की सरकारों को मिलेंगी। इस संदर्भ में हमारी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार जो भी कर सके, हम भारत सरकार के साथ मिलकर करने के लिए पूरी उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राघव जी, धन्यवाद।